हाय मैं सुनील कुमार पांडे, आप सभी को हमारे YouTube चैनल चैलेंजर स्टडी पॉइंट और फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए 10th के आज नए वीडियो की तरफ, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। यह बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है थेल्स प्रमेय। जैसा कि आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, पिछले कई वर्षों में पूछा भी गया है और यह संभावित प्रश्न भी है। तो थेल्स प्रमेय यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है और यदि एक ही तो ऐसी स्थिति में वे दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई अन्य सरेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही आपका थेल्स प्रमेय है और इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले चलते हैं, दिया गया है किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए सबसे जरूरी है दिया गया है। एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, यह आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, यह एक त्रिभुज हो गया और भुजा बी सी के जो समानांतर एक तिर्यक रेखा हम खींच लेते हैं, यह डी ई हो गया और यह जो है इसके समानांतर है, यह दोनों आपस में समानांतर है। तो समानांतर है तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी अब बटा डी बी अब बराबर ए बटा ई सी, यह बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई खींचा गया है, ये दिया गया है। दिया गया है लिखने के बाद हम लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर डी खींचा गया है। तो निश्चित रूप से यहां सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो एडी अब बटा जो डीबी है वह ए बटा ईसी के बराबर होगा। जो एडी है बटा एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यह आपस में बराबर होगा, यही हम लोग को सिद्ध करना है। चलते हैं सीधे रचना की तरफ। यह आपका रचना हो गया। तो रचना में क्या, तो रचना में किसी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम ऐसे कंस्ट्रक्शन को लेते हैं, ऐसे रचना खींचते हैं ताकि हमें सवाल बनाने में सुविधा हो। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ कि यह शीर्ष ई से मैं खींच रहा हूँ, शीर्ष ई से खींच रहा हूँ आपका डी, यहाँ से इस पर लंब मैं खींच रहा हूँ और फिर यहाँ से यहाँ पे लंब खींच रहा हूँ। यहाँ मैंने खींच दिया एक लंब और यहाँ भी एक लंब खींच दिया गया और यह एम हो गया और यह आपका एन हो गया। फिर क्या करते हैं कि सी को डी से मिला देते हैं और बी को ई से मिला देते हैं। यहाँ हम फिर से एक बार मैं समझाना चाहूंगा कि बिंदु ई से जो ई एन है वह ए डी पर लंब डाला और जो बिंदु डी है डी से बी एन ए पर लंब डाला, सी को डी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। रचना में मैंने क्या किया कि बिंदु डी तथा ई से क्रमशः डी डी से मैंने यहाँ ए पर डी और डी तथा ई से जो क्रमशः ए एवं ए डी पर डी एम तथा ई एम लंब डाला। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। जो आपका डी से मैंने डी एम ए पर लंब डाला है, यहाँ लिखा गया है कि डी और ई से क्रमशः ए पर डी एम लंब डाला और ई से ई एम ए डी पर लंब डाला। तो इस प्रकार से ये तो हो गया, लेकिन यहाँ एक और कंस्ट्रक्शन खींचा गया है, सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। यहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जो है समाप्त होता है कि यह मैंने सी को डी से मिला दिया, बी को ई से मिला दिया, ई से यहाँ इस पर लंब मैंने डाल दिया ई एन और डी से यहाँ डी एम जो है वह ए पर लंब डाल दिया।
अब ऐसे कंडीशन में हम चलते हैं इसमें आगे कि प्रमाण क्या दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका होता है दिया गया है तो सिद्ध करना है रचना, और अंत में हम प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण लिखकर सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं कि इसके आगे प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी थ्योरम का, देखते हैं आगे कैसे बनता है। चले चलते हैं, अब इसके आगे हम प्रमाण देखते हैं कि प्रमाण में क्या लिखा जाए। प्रमाण किस थ्योरम का सबसे अंतिम स्टेप होता है और इस स्टेप में हमें प्रूफ करना होता है। तो इस प्रमाण में हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज, हम बात करें त्रिभुज ए डी ई की, कि त्रिभुज ए डी ई में क्या हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एडी या त्रिभुज ए डी ई अगर निकालें और बटा में कर दें एडी या त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई ए डी ई इस त्रिभुज में और बी डी ई इस त्रिभुज में, तो ए जो ए डी ई जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में एक बटा दो आधार का मान हो जाएगा ए डी और ऊंचाई का मान हो जाएगा ई एल, एक बटा दो आधार यह हो जाएगा और ऊंचाई आपका यह हो जाएगा। फिर आ जाए इस त्रिभुज के बारे में बात किया जाए, बी डी ई की बात किया जाए तो एक बटा दो आधार का मान आपका हो जाएगा डी बी, और इसका इस त्रिभुज का अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि अगर ऐसे कोई त्रिभुज हो तो इसका ऊंचाई बाहर होता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार का जो त्रिभुज है इसका ऊंचाई बाहर होगा, मतलब इसका जो शीर्षलंब होगा एक बटा दो ये आधार हो गया डी बी और ऊंचाई हो जाएगा ई एल। अब देखते हैं काट कर कट जाएगा या कट जाएगा, तात्पर्य है कि एरिया त्रिभुज ए डी ई और एरिया त्रिभुज बी डी ई का मान हो जाएगा ए डी बटन डी बी, यह समीकरण एक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ ए ई डी एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज सी डी ई में एक बटा दो गुणे आधार का मान हो जाएगा ए ई और इसका ऊंचाई हो जाएगा डी एम, उसी प्रकार एक बटा दो आधार का मान हो जाएगा ई सी और ऊंचाई का मान हो जाएगा डी एम, और इसको काट देते हैं तो काटने के बाद आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज सी डी ई और यह हो जाएगा ए बटा ई सी हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं आगे, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, काफी टॉप तो कहा जा सकता है लेकिन अगर समझा जाए तो काफी आसान है। प्रमाण में अगर देखें तो ए डी ई त्रिभुज में चलते हैं, यह आपका ए डी ई हुआ तो एक बटा दो आधार और गुणा में ऊंचाई, फिर अगर इसके नीचे बटा में बी डी ई की बात करें तो आधार डी बी हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा ई एन, ये कटने वाला कट गया इतना आ गया, ठीक इसलिए आपका समीकरण एक हो गया। और इसी प्रकार से चलते हैं ए ई डी, यह जो त्रिभुज है ए ई डी में तो एक बटा दो आधार का मान ए ही हो जाएगा और शीर्षलंब का मान डी एम हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार ए सी डी की अगर यहाँ बात किया गया है या फिर सी डी ई कह सकते हैं, सी डी ई में देखा जाए तो आधार का मान हो जाएगा ई सी और ऊंचाई का मान हो जाएगा डी एम, जो कटने वाला है कट गया यह बचा ए ई बटा ई सी। और इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। हाँ तो हम लोग प्राप्त कर चुके थे कि त्रिभुज ए ई डी बटा त्रिभुज सी डी ई बराबर ए बटा ई सी आ चुका था। हम एक बात जानते हैं, आपको भी यह जानना पड़ेगा, हम जानते हैं कि दो समानांतर त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अतः हम यह देख पा रहे हैं कि डी और बी सी समानांतर है और एक ही आधार पर यह जैसे डी ई पर दोनों आधारित है, तो ऐसे कंडीशन में हम लिख पाएंगे कि त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी डी ई
सी डी ई, यह दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, यह जो है वह इसके बराबर हो जाएगा। अतः सबसे नीचे आया था समीकरण एक नहीं, जबकि सबसे नीचे जो आया था आपका एरिया त्रिभुज ए ई डी था और बटा में एरिया त्रिभुज था सी डी ई लिखा हुआ था, तो सी डी ई ना लिख कर हम उसके बदला में लिख देंगे बी डी ई, और इधर था आपका ए ई बटा ई सी था। हम बात करें समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक और दो अगर अपने कॉपी में आप देखें तो समीकरण एक दो में दोनों में एल एच एस का मान बराबर है, तो अगर एल एच एस का मान बराबर है एक और दो की बात करें, अगर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो पहला में आर एच एस था ए डी बटा डी बी और बराबर ए बटा ई सी, इसमें आर एच एस हो गया है, दोनों बराबर हो गया और यही हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें आप समझ चुके हैं कि समीकरण एक और दो आ गया तो दोनों के एलएचएस बराबर हैं, तो आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। तो इस थ्योरम को आप घर पे एक दो तीन बार चार बार पांच बार जितना बार हो सके बनाइए, समझ कर बनाइए ताकि आपको यह कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में हम अगले थ्योरम की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं इस वीडियो में धन्यवाद।